अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। तो आज मैंने आपको फर्स्ट ईयर बॉयज़ के जो केमिस्ट्री का पेपर था प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पर 2021 के एग्ज़ाम्स का, तो वो सॉल्व कराया है। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे गर्ल्स का भी जो है वो एक पेपर सेंड किया कि सर ये भी सॉल्व करा दो इसके एमसीक्यूज़। तो मैं गर्ल्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, उसके देखते हैं कितने एमसीक्यूज़ आए हैं। सेक्शन बी और सी अगर वक्त मिलता है तो कल परसों तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपलोड करूँ। फिलहाल जल्दी में तो यही हो सकता है कि 5-10-15 मिनट के लेक्चर में एमसीक्यूज़ को जो है वो मैं कवर करा दूँ सारे इसके, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी विल ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम। देखिए 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 44 ग्राम 1 मोल होता है, 11 ग्राम 0.25 होगा, तो हाफ़ का हाफ़ कर दें 22.41 के, तो 22.41 का हाफ होता है 11.2, उसका भी हाफ हो जाएगा 5.6, तो इसका आंसर होगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जस्ट वर्बली सॉल्व करें, इसके लिए आपको कैलकुलेटर्स की नीड नहीं है। सेकंड है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट दिस वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर बराबर होंगे तो सूरत में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर पर बी ऑप्शन देखें, हाफ प्लस हाफ, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, बी ऑप्शन। हाफ नाइट्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड है, कैपिलरी एक्शन ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू डैश। कैपिलरी एक्शन होता है सरफेस टेंशन की वजह से, जिसमें लिक्विड राइज होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। फोर्थ है, दिस इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू Na+। Na+ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, तो F- में भी 10 होते हैं, Mg+2 में भी 10 होंगे, O-2 में भी 10 होंगे, लेकिन क्लोरीन- में 18 होंगे, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स जितने सोडियम के पास हों उतने ही दूसरे के पास हों, तो क्लोरीन में तो ऐसा नहीं हो रहा। सिक्स्थ है, द बॉन्ड फॉर्म इन Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू दिस ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लोरीन में आप जानते हैं PP ओवरलैपिंग से बन रहा होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने एक्सप्लेन किया है मैंने इसको VBT में। सिक्स है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर किया जाता है और 180 एम पर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड की जब हम बात करें तो आई थिंक वो 298 केल्विन बनेगा और 180 एम प्रेशर बनेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये फाइनल जीरोस जो हैं वो बिफोर डेसिमल वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमारे पास इस तरह से इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4 4 है वो, ये बीच ये 0, 6 के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट है बिकॉज नॉन जीरो के बीच में, तो देर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर। 8th है, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज 75 kJ/mol। इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इट्स एक्टिवेशन एनर्जी विल बी। देखें पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करेगा, तो 75 से कम सिर्फ यही है ए ऑप्शन 53, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस पेयर ऑफ गैसेस विल हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके लिए हम देख लेते हैं कि सेम मॉलिकुलर मास किसका है, N2 और CO2 का। N2 हो जाएगा 28, CO2 44, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो दिस कुड नॉट बी पॉसिबल। इस तरह से अगर हम आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, N2 एंड CH4 दैट इज़ 28, दैट इज़ 16, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। NO2 दैट इज़ 14+32, ठीक है, तो 14 नाइट्रोजन का हो गया, 32 उसका हो गया, तो 14 और 32 हमारे पास ये हो गया हमारे पास 46, तो ये भी नहीं हो सकता। NO एंड C2H6, NO हो गया 14+16, 14 और 16 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 14, दैट इज़ 16, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 30, और C2H6 के 24+6 30, ऑल राइट। तो ग्राम्स पर डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होंगे बिकॉज दे हैव सेम मॉलिकुलर मासेस। नेक्स्ट है, दिस इज़ नॉट अ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। ये बॉयज के पेपर में भी आया था, तो ये एस डीजेनरेट नहीं होता, ठीक है, बहुत डिफरेंट और सब शेल्स में ब्रेक नहीं होता। 11th है, इनहिबिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एस इनहिबिटर, और किसे कहते हैं, इनहिबिटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, रिएक्शन की स्पीड को डाउन करते हैं। 12th है, फॉर द रिएक्शन A+2B इट फॉर्म C+3D, किसी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, तो सी एंड डी पर क्यूब आ गया, ए और बी इस पर, ठीक है, ये डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा। 13th है, 1 kcal इज इक्वल टू डैश। 1 kcal बराबर होता है किसके भाई, तो जूल के लिहाज से अगर हम बात करें ना
तो 4.184 जूल तो होता है, लेकिन यहाँ किलो कैलोरी कह रहे हैं ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 4184 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। तो थोड़ा सा इसमें किलो में फंसा दिया, अगर सिर्फ 1 कैलोरी कहते हैं तो 4.184 जूल होता है, 1 किलो कैलोरी कह रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14th है N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ यू नो कि नाइट्रोजन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, N होता है, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है N। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पर दिस इज़ एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और दो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 15 है फॉर 3p ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होंगे, n=3 और l की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट r, मतलब गैस कॉन्स्टेंट, इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, नेचर ऑफ गैस पर, प्रेशर ऑफ गैस पर, टेम्परेचर ऑफ गैस पर, वॉल्यूम पर गैस पर। ये नेचर ऑफ गैस पर टोटली इंडिपेंडेंट होती है, मतलब नेचर ऑफ गैस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, हाँ प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सब का इफेक्ट जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इनमें से कौन सी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, दैट इज़ जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट हो, ठीक है, जो अमाउंट कम ज़्यादा करने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी नहीं है, एक्सटेंसिव पूछ रहे हैं, तो एक्सटेंसिव हमारे पास एंथैल्पी है, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी ज़्यादा एंथैल्पी वैल्यू होगी, ठीक है। ये 17 MCQs यहाँ पर हमारे पास हुए, तो फर्दर हम और MCQs की तरफ आते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं खुद इन MCQs को देख रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे सॉल्व करने में, इससे पहले मैंने नेम से उसको देखा नहीं, अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया 10 मिनट पहले। 18th है फॉर द रिएक्शन 2NO+O2 2NO2 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज हाफ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, NO की कंसंट्रेशन अगर हाफ करेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन हाफ नहीं होगा, चूंकि 2 है ना, तो वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ। नेक्स्ट है, इफ़ अ सॉलिड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म्स दिस आर कॉल्ड, एक से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म है तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। 20 इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो जो हीट देंगे वो सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग करेगा, बी हो जाएगा डेल्टा ई। चैप्टर 5 के MCQs है ये। 21 ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर दिस सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज, कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज होगा, वो सॉल्ट हाइड्रोलाइज होगा जो कि नॉर्मल ना हो, सोडियम सल्फेट एक नॉर्मल सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, चूँकि इसमें ये बनता है कार्बोनिक एसिड से हमारे पास ना, जो कि एक नॉर्मल सॉल्ट नहीं बनाएगा, ठीक है, बाकी सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, KCl, ये सारे नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। 22 है फॉर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन, हर 10 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, थम रूल जिसको हम कहते हैं। 23 है दिस इज एन अ ट्रू एजम्पशन ऑफ स्टोइकोमेट्री, रिवर्सिबल रिएक्शन आर स्टडीड, नहीं ऐसा नहीं होता, इररिवर्सिबल रिएक्शन आर स्टडीड, ये ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, इररिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ते हैं हमेशा स्टोइकोमेट्री में। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पर, CCl4 होगा, टेट्राहेड्रल है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है इसमें कार्बन के पास, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी है, सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी उसकी। 25th है द रिएक्शन दिस इज अ, अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनलाइट मौजूद है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर पूछ रहे हैं इसका ना, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सारे जीरो ऑर्डर के होते हैं। 26 दिस कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस में नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो CH4 में नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन जो है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज्वाइन नहीं हुआ हुआ। 27 है दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओ इन OF2, ये पिछली बार भी था, +2 होगी इसकी। 28 है दिस फेवर्स द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, इट फॉर्म्स PCl3+Cl2, पॉजिटिव है डेल्टा एच, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। तो अच्छा, यहाँ टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द फेवर दिस फेवर्स द डिकम्पोजिशन, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 का बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। 29th है दिस हैज़ द हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी,
बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा तब होगी जब सबसे ज़्यादा पोलर आयनिक कैरेक्टर आएगा, मतलब जब सबसे ज़्यादा हमारे पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एच एफ के बीच में होती है, इसलिए एच एफ सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा और इसकी सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी। 13th द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल सोल्यूशन, आर पी जी होता है ना, एसिड बेस, तो आर पी जी की ला सकते हैं, एसिड बेस न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में देखना तो जी ग्रीन हो जाएगा ये, ठीक है। 31 के पी इक्वल टू के सी किस रिएक्शन के लिए होगा भाई, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के मोल सेम हो, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 है इन डिस्चार्ज ट्यूब द पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, वो चूँकि कैथोड की तरफ जाते हैं एनोड से निकलते हैं, तभी एनोड रेज कहा जाता है, तो फ्रॉम द एनोड, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द एनोड फ्रॉम द कैथोड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो वैसे तो एनोड से तो नहीं निकलते, इसको जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए गैस के आयनाइजेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो कैथोड रेज हो एनोड रेज हो, मेरे लिए ऐसे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। 33 है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस दिस द पॉजिटिव कैटलिस्ट इज, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। आई होप सो कि ये शायद करेक्ट आंसर है, वैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए यही होता है, अगर आपको उसको देखनी है चैप्टर 8 में जो है उसका एक चार्ट मौजूद है, ठीक है, तो लेट मी चेक इट फॉर यू, देख लेते हैं कि इसमें असल में है क्या, ठीक है। तो ये सिंध बोर्ड की बुक में मैं चेक कर लेता हूँ, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल बिकॉज आई डोंट रिमेंबर। ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है ना, उसमें कैटलिस्ट वाले टॉपिक में ही होगा, ये रहा, ठीक है, ये चार्ट है, तो यस यहाँ पर जो कैटलिस्ट है, और सॉरी आई वॉज रॉन्ग, कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन, ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो सॉरी दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन Cl2। तो जैसे ये आप चार्ट इसको जो है ना आप देख लें, इसका पेज नंबर बताया था मैं आपको, पेज नंबर 240 है ये, ठीक है, तो यहाँ पर होगा बुक में, इसको आप रिमेंबर कर लें ताकि इस तरह के MCQs आपसे हो सकें। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, डायपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो कूलम इनटू मीटर, वो यूनिट होती है डायपोल मूवमेंट की, तो वैसे डिबाय कूलम मीटर इसकी एसआई सिस्टम में है, डिबाय इसकी कॉमन यूनिट है, ठीक है। 35 है दिस बिहेव्स एज फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये होता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें बताता है, ये फिंगरप्रिंट की तरह से होता है एक एलिमेंट की। 36 द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर इजिली मेजरेबल, ये कहलाते हैं चैप्टर 5 के MCQs है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। 37 द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करते, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिलोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कौन सी चीज़ें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर तो करेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा आप कह लें कि यहाँ पर आपने अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो वो ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, वीक होंगे तो वो कम डिसोसिएट होंगे, ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिसोसिएशन है टेम्परेचर पर भी होता है, आप देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी कम होती है चीज़ों की, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है, तो डज नॉट डिपेंड किस पर नहीं करेगी, अच्छा करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करते हैं तो करंट पर डिपेंड नहीं करती है, आई थिंक बाकी चीज़ों पर करती है, करंट से जस्ट वो मूव करती है आइंस जो है ना एनोड कैथोड की तरफ, डिसोसिएशन तो बाकी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, डायल्यूशन कितने ज़्यादा वाटर ऐड किया कि टेम्परेचर और ये सारी चीज़। तो 38 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम 1327 प्लस प्लस प्लस, एरेम्बलम प्लस 3 है, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रेस्पेक्टिव, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो 13 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 जो है वो न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सिंपल, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH3COCl2H5, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा, तो सबसे पहले तो इसका हमें मॉलिकुलर फार्मूला देखना होगा पहले इसको क्लियर करके, तो सी कार्बन है, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पर है कार्बन 2 और 4 कार्बन है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हमारे पास है यहाँ पर 4 5 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन है,
और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर उसको कट आउट करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया C2H4O1, C2H4O1, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 39 MCQs तक हुए, आई थिंक सो कि एक और पेज हमारे पास इसमें मौजूद है, ठीक है। तो वो पेज भी हम देख लेते हैं। तो वेयर इज द फाइल, ओके ओके सॉ यहाँ पर और आ जाते हैं। तो चार एमसीक्यूज बचे हुए जस्ट, ठीक है, उनको भी फटाफट देखते हैं। एट एस टी पी 22.4 DM³ इज़ द वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम होगा, जो 1 मोल गैस होगी। 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल नहीं होता, हाफ मोल होगा। 3 ग्राम हीलियम भी 1 मोल नहीं होगा, ये भी हाफ मोल है। 2 ग्राम हाइड्रोजन, ये 1 मोल होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो 22.4 DM³ इसका वॉल्यूम होगा। देखिए, इसमें किसी में भी कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सारे डायरेक्टली सॉल्व होने वाले MCQs हैं। 41 है, दिस पेयर ऑफ कंपाउंड हैज द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो निकाल कर देख लेते हैं सेम एम्पिरिकल फार्मूला किसका निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये तो नहीं हो सकता, अलग अलग हैं, क्योंकि ये सी एच सिर्फ आ जाएगा CH4, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 3 ज़ा 6, तो ये भी नहीं निकल सकता, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एच, तो ये CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड लगा हुआ है यहाँ पर, दैट इज CH2O हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और ये दूसरा जो कंपाउंड हमारे पास एसिटिक एसिड, इसका भी आई थिंक यही आएगा CH2O, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है दैट इज HCHO एंड एसिटिक एसिड, ये इनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। फॉर टुडे दिस इज द इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। वैसे PV=nRT होता है, तो N मिस हो जाएगा, तो सिर्फ PV=RT बन जाएगा 1 मोल के लिए। 43 है, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, 0.529 को जो है ना वो मल्टीप्लाई करें आप 2 से, तो 0.529 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आई थिंक सो एन स्क्वायर, सॉरी 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 529, एन स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.529, ये 2 पॉइंट समथिंग पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये 2.116, ठीक है, ऑलराइट। प्रिडिक्ट कर सकते थे, फिर मुझे लगा कि शायद गलत हो जाए, तो फिर आप कमेंट्स में कहेंगे सर ये तो आंसर गलत आ गया, इसलिए मैंने बोला कि चले कर लें। तो ये 43 MCQs हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गए सारे। तो इनका अगर मैं PDF भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जो है वो अपलोड कर दूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर। तो लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।